जम्मू में साइबर फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि शायद साइबर पुलिस भी इस बढ़ते साइबर फ्रॉड पर काबू पाने में जो है पूरे तरीके से नाकाम है। एक व्यक्ति इस समय मेरे साथ हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हैं। इन्हें जो है वो एक फेसबुक पर ऐड दिखती है और उस ऐड में ये बताया गया होता है कि आप लोन ले लें और जब ये उस पर क्लिक करते हैं तो ऐसे में लिंक पर क्लिक करने के बाद इनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं, लेकिन पैसे आने के बाद इनसे जो है वो अब दुगने पैसों की मांग जो है वो की जा रही है फ्रॉडियों द्वारा और जिसके चलते काफी ज्यादा परेशान है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। ऋषि कोहली। क्या ये पूरा मामला है, क्यों परेशान है आप? इन्होंने फेसबुक में ऐड दी, ओके कर दिया, बस ओके करने से 2200 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया। बस अकाउंट में आ गया तो चार दिन बाद वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं कहाँ से आया, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने बाद में फ़ोन करते हैं 4002 नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वीडियो बना के भेज देंगे। बस वो फिर मैंने ले देके कहीं से वो दे दी उनको, अब फिर 2750 रुपये फिर कर दिए, बोलते शुक्रवार तक 5000 चाहिए नहीं तो हम वीडियो बनाएंगे ये करेंगे वो। अच्छा, गैलरी शैलरी सब कुछ उनके हाई फोन वो कर दिया, हाईजैक कर दिया। कौन सी एप्लीकेशन थी कोई? इन कैश एप्लीकेशन। हाँ, मतलब आपने फेसबुक पर ऐड दिखी, ऐड पर क्लिक किया, क्लिक किया और आप प्ले स्टोर में पहुंच गए। हाँ, अब खुद ही वो स्टोर में पहुंच गए, खुद ही उन्होंने किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ अलो वगैरह डिनाई कुछ करा था? अलो किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। भाई साहब को एक ऐड दिखती है फेसबुक पर लोन की और लोन उस ऐड पर जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये जो है वो सीधा प्ले स्टोर में पहुंच जाते हैं इन कैश एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन जब डाउनलोड होती है तो उसमें ये जो भी अपना नंबर वगैरह आपने डाला था? कुछ नहीं डाला, नंबर डाला उसके बाद सब कुछ वो अपने आप ही हो गए, मुझे खुद नहीं पता चला। हाँ। वो खुद ही अपने आप ही एरो चलता रहा उसका, मुझे ये भी नहीं पता चला एरो अपने आप ही चल रहा है। मतलब फोन का आपका जितना भी डाटा है, कॉन्टेक्ट वगैरह, गैलरी वगैरह सब उनके पास? जी जी। कहीं पर कंप्लेंट कराई आप? मैं साइबर क्राइम गया था, उन्होंने बोला कंप्लेंट नहीं लिख सकते लेकिन आप वो कर दीजिए, एक फेसबुक में डाल दीजिए कि हमारा वो हो गया, हाईजैक हो गया। बस बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप साइबर अपराधी जो है वो एक से एक अनोखा तरीका जो है वो ढूंढ रहे हैं और किस तरह से लोगों को जो है वो लूटने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आप सब लोगों से कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को इससे बचाया जा सके। फिलहाल ये व्यक्ति इस समय काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन आपको हम यही कहेंगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी को भी जो है वो इस तरह के पैसे पेमेंट उन्हें ना करें। अब तक कितने पैसे दे चुके हैं आप? 4000। 2200 लिया और 4000 दे? 2200 लिया, 4000 दिया, 2700 फिर उन्होंने डाला, अब बोल रहे 2700 का 5000 दो और दो। हाँ जी। कोई बंदे का कोई नंबर वगैरह या कोई आपने टेलीफोन अलग नंबर से करते हैं वो आप नहीं उठा? ब्लॉक नहीं किए नंबर? कितने करेंगे वो पता, 100-150 फोन से करते रहते हैं वो, कभी मैसेज भेजते हैं कभी कुछ, और जब उधर फोन करो तो वो कोई बच्चा उठाता है या कोई उठाता है। साइबर पुलिस से एक बार फिर से अपील रहेगी कि इस तरह के बढ़ते साइबर फ्रॉड पर जो है आप रोकथाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार इस तरह के फ्रॉड के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और जिससे जनता इस समय जो है वो जम्मू की काफी ज्यादा परेशान है और जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड भी इसमें साइबर फ्रॉड जो है वो बढ़ने की वजह साफ तौर पर ऐसी लगती है कि शायद साइबर पुलिस भी इस पर काम जो है वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर कर रही होती तो ये साइबर फ्रॉड जो है वो जम्मू शहर में इतना नहीं बढ़ता। तो अगर आप भी किसी भी लोन एप्लीकेशन को अगर सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आप उस पर मेहरबानी करके क्लिक ना करें, अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी फोन का डाटा है तो वो आपके उन हैकर्स के पास चला जाएगा और जिसके बाद वो जो है वो आपके आपको वहां पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे और आपके फोटोज वगैरह जो है वो रिश्तेदारों में भेजना शुरू कर देंगे। फिलहाल आप सब लोगों से एक बार फिर से अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के बढ़ते साइबर फ्रॉड से जो है बचा जा सके और इन कैश नाम की एप्लीकेशन अगर आपको भी कहीं पर दिखती है तो आप उसे जो है वो गलती से भी अपने फोन में इंस्टॉल ना करें, अगर करते हैं तो वो जो है वो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। वीडियो को देखकर अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। अपने प्रश्न अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।